सिनेमाघर कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का अनुराधा का नमस्कार। श्रोताओं, ग्रामीण अंचल के परिवेश पर बनी जब जब कोई फिल्म आई है उसे दर्शकों ने और श्रोताओं ने बहुत पसंद किया, चाहे वो मदर इंडिया हो, चाहे नदिया के पार या फिर सावन को आने दो। वर्ष 1975 में आई ऐसी ही फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्म गीत गाता चल। इस फिल्म के निर्देशक थे हिरेन नाग, निर्माता ताराचंद परजात्या, पटकथा लिखी थी मधुसूदन कालेकर और शरद पिलगांवकर ने। इस फिल्म के गीत लिखे रविंद्र जैन ने और संगीत भी तैयार किया रविंद्र जैन ने ही। प्रमुख भूमिकाओं में थे सचिन और सारिका। अन्य कलाकार थे मनहर देसाई, उर्मिला भट्ट, मदन पुरी, लीला मिश्रा, पद्मा खन्ना और नवोदित चेहरा ख्याति। श्रोताओं, सचिन और सारिका दोनों ही बाल कलाकार के रूप में पहले से ही फिल्मों में काम कर रहे थे, लेकिन नायक और नायिका के तौर पर अपने आप को साबित करना उस समय आसान नहीं था जब अमिताभ बच्चन अपनी एंग्री यंग मैन की छवि से फिल्मों पर छाए हुए थे और राजेश खन्ना का दौर तो था ही। ऐसे में दो मासूम चेहरों सचिन और सारिका को लेकर हिट फिल्म देना आसान नहीं था। लेकिन जब कहानी दमदार हो, गीत संगीत मधुर हो, तो इतिहास तो रचा ही जाता है और ऐसा ही हुआ फिल्म गीत गाता चल के साथ भी। यह एक बात आपको और बताते चले कि गायकी के क्षेत्र में भी यहाँ एक नया प्रयोग किया गया। किशोर कुमार और मोहम्मद रफी का ये दौर था, ऐसे में उस समय के नवोदित गायक जसपाल सिंह ने इस फिल्म के अधिकतर गीत गाए। कहने की जरूरत नहीं कि गीतों में जो रवानगी थी वो आज भी लोगों पर छाई हुई है। गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल ओ बंधु। जी हाँ, ये एक झलक थी उस गीत की जो पूरी फिल्म पर छाया रहा और फिल्म का नाम भी है गीत गाता चल। तो आइए अब आ जाते हैं फिल्म की कहानी की ओर। जैसा कि हमने आपको बताया कि फिल्म के नायक सचिन, जिनका नाम श्याम है, गांव के भोले भाले नौजवान के किरदार में है। तन पर धोती कुर्ता डाले, लाठी पर गठरी टांगे अपनी मस्ती में गांव के हरे भरे खेतों में वो घूमते फिरते रहते हैं। श्याम एक बालक जैसा युवक, एक आजाद पंछी की तरह है जिसका कोई बसा हुआ घर नहीं है, जो दुनिया की परवाह किए बिना गांवों और कस्बों में घूमता है। श्याम के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है ना कोई मंजिल,
वो राह में कई लोगों से मिलता है लेकिन किसी से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ता, लेकिन उसका मन, स्वभाव, उसकी ईमानदारी लोगों को आकर्षित करती है। फिल्म की शुरुआत जिस दृश्य से होती है उसमें श्याम गांव में नौटंकी देखने आया है, लेकिन मंच के कार्यक्रम में कुछ खामी आ जाती है। ऐसे में जैसा कि होता ही है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम ना हो तो हलचल मच जाती है, यहाँ भी वैसा ही होता है। लेकिन श्याम अपने मधुर गीत से सबका मन मोह लेता है और वो गीत था यही। गाता चल ओ साथे गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथे गुनगुनाता चल, ओ बंधु रे हंसते हंसाते बीते हर घड़ी हर पल। तबीयत नहीं भरती हो, सुंदर से सुंदर हर एक रचना, फूल कहे कांटों में बेसी को हंसना। नदियाँ का पानी, पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी, अंबर से बरसे जमीन से मिले, नीर के बिना तो भैया काम ना चले। ये जग जाता जल बात से बेगाना है। ओ चल चल चलती हवाएं करे शोर, उड़ते पखेरू खींचे मन वाकी डोर, खींचे मन वाकी डोर। पंछी रे पंच
पक्षियों के पंख लेके हो जा तू ओझल। श्याम अपने मधुर गीत को मंच पर प्रस्तुत करके कलाकारों और दर्शकों का दिल जीत लेता है। यहीं पर उसकी मुलाकात होती है चंपा, यानी चंपा के किरदार में है पद्मा खन्ना। चंपा से मुलाकात होती है, चंपा आकर्षित है श्याम की तरफ, लेकिन श्याम बहुत ही उत्तम चरित्र वाला है। वो चंपा को दीदी कह के संबोधित करता है और चंपा भी उसकी बात समझ जाती है। उसे भी अच्छा लगता है कि संसार में, मतलब ही संसार में कोई ऐसा तो है जो उसको दीदी कह के संबोधित कर रहा है। बहरहाल श्याम अपनी मस्ती की धुन में आगे बढ़ता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि श्याम अपने व्यवहार से सभी का मन मोह लेता है। अब श्याम आगे बढ़ता है तो उसकी मुलाकात होती है राधा के माता पिता से। राधा कौन है ये भी यहाँ बताते चलें। राधा की भूमिका में है सारिका। राधा के माता पिता तीर्थ यात्रा पर आए हैं। राधा के पिता की भूमिका में है मनहर देसाई, और जिनका नाम है दुर्गा बाबू, जो गांव के जमींदार हैं। माँ की भूमिका में है उर्मिला भट्ट, और इनका नाम है गंगा। राधा के माता पिता बहुत प्रभावित होते हैं श्याम से, क्योंकि श्याम गंगा की जान बचाते हैं जब मेले में उनको एक सांड दौड़ा लेता है, और श्याम बहुत ही हिम्मत के साथ गंगा की जान बचा लेते हैं। गंगा अपने साथ जहाँ पर वो तीर्थ यात्रा पर आई हैं अपने पति और बेटी के साथ, अपने गेस्ट हाउस में ले आती हैं श्याम को। श्याम जिसकी झड़प राधा से मेले में पहले ही हो चुकी होती है, तब जब जिद्दी राधा एक बच्चे को झूले पर से उतार कर खुद झूलने की जिद करती है। राधा जब श्याम को अपने माता पिता के साथ देखती है तो हैरान रह जाती है और कहती है, इसे यहाँ किस लिए लाए हो। राधा की माँ को श्याम बहुत ही सौम्य और भला लड़का लगता है। वो उसका बहुत ख्याल रखती है, खातिरदारी करती है। श्याम कुछ देर बाद कहता है, अब मैं चलता हूँ। तो राधा की माँ कहती है, श्याम तुम्हें घूमने फिरने का बहुत शौक है ना, तुम मेरे साथ चलो। हमारे हरे भरे खेत हैं, गांव का सुंदर मनमोहक वातावरण है। ये बातें सुनकर श्याम प्रसन्न हो जाता है और अपने अलमस्त अंदाज में राधा के परिवार के साथ गाते गुनगुनाते खेतों से होता हुआ राधा के गांव के ओर बढ़ता है। मेरी माता पिता आसमान, ओ धरती मेरी माता पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता पिता आसमान, अपना सा लागे सारा जहां। धरती मेरी माता
के समान मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान धरती मेरी माता पिता आसमान मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान धरती मेरी माता पिता राधा के पिता जमींदार हैं और अपने घर पर मास्टर नारायण दास जी को बुलाते हैं जो शाम को शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं। इधर राधा अपने शरारती अंदाज में पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न करती है, गुलेल से प्रहार करती है, जिस टाइम मास्टर जी शाम को लेकर शिक्षा देने का स्थान बदल देते हैं। राधा की शरारत से श्याम नाराज हो जाता है और नदी के किनारे आकर खड़ा हो जाता है, किंतु जमींदार साहब के नौकर उसे घर लेकर आते हैं। लेकिन उधर राधा श्याम से नाराज हो जाती है और खाना पीना छोड़ देती है। ये बात राधा की माँ श्याम को बताती है तो श्याम उसे खाना खाने के लिए मनाने आता है। फिर धीरे धीरे ये रिश्ता दोस्ती में और दोस्ती के बाद प्रेम में बदल जाता है, लेकिन एक तरफा, क्योंकि श्याम को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि राधा उससे प्रेम करती है और श्याम इस बात से बेखबर अपनी मस्ती की धुन में लगा रहता है। राधा के मन में श्याम के लिए जो लगाव की भावना है वो जाहिर होती है तब जब श्याम गांव में रहने वाली एक लड़की मीरा को बांसुरी की धुन सुना रहा होता है। यहां मीरा की भूमिका में नवोदित चेहरा ख्याति है। बहरहाल राधा जब देखती है कि श्याम मीरा को बांसुरी की धुन सुना रहा है तो वो बांसुरी तोड़ देती है। ये बात मीरा को अच्छी नहीं लगती, उसकी आंखें छलक उठती हैं। यहां फिल्म में जो गीत है वो आज भी बहुत लोकप्रिय है, आप भी सुनिए और आनंद लीजिए इस गीत का।
बजने से काम सांवरे की बंसी को बजने से काम राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम के बाद मीरा के मन के भाव राधा समझ जाती है और अपनी भूल पर माफी मांगती है। इस बीच दुर्गा बाबू यानी राधा के पिता के मित्र कर्नल साहब, जो कि मदनपुरी सोहन सिंह की भूमिका में हैं, अपने पुत्र प्रकाश का जन्मदिन मनाते हैं, जिसमें सभी सम्मिलित होते हैं और खूब नाचते गाते हैं। Thank you.
बचपन हर गम से बेगाना होता है, बचपन हर गम से बेगाना होता है। जन्म का शुभ दिन हर दिन से सुहाना होता है कि बचपन हर गम से बेगाना होता है। चिंता मस्ती का आलम जीवन खेल सा लगता है, जीवन खेल सा लगता है। सुख मिलते हैं सारे राहों में फिर के, घर तो जेल सा लगता है, घर तो जेल सा लगता है। हो इसी उम्र में खुशियों का खजाना होता है कि बचपन हर गम से, ओ बचपन हर गम से बेगाना होता है, आ है बचपन हर गम से बेगाना होता है। खुशियाँ बचपन में जो पाते हैं, बचपन में जो पाते हैं, वो हंसते हुए दिन गाती वो रातें लौट के फिर नहीं आते हैं, लौट के फिर नहीं आते हैं। वो यादों के साए में वक्त बिताना होता है कि बचपन हर गम से, बचपन हर गम से बेगाना होता है, होता है बचपन हर गम से बेगाना होता है, होता है बचपन हर गम से बेगाना होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और आकाशवाणी का जॉइंट वेंचर, मतदाता जागरूकता और वोटर्स राइट्स पर भारत निर्वाचन आयोग का प्रायोजित कार्यक्रम मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन 23 भाषाओं में, देश भर में आकाशवाणी नेटवर्क पर 42 FM विविध भारती, 25 FM रेनबो, 4 FM गोल्ड, साथ में प्राइमरी और लोकल रेडियो स्टेशंस पर हर शुक्रवार जुड़िए मतदाता जंक्शन से, मतदाता जंक्शन आकाशवाणी की ध्वनि तरंगों पर। FM 106.4 MHz पर विविध भारती का ये दिल्ली केंद्र है और हमारे केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ अनुराधा। आप मेरे साथ सुन रहे हैं फिल्म गीत गाता चल की कहानी और उसके प्यारे प्यारे गीत। अभी तक कहानी में हम जहां पहुंचे थे वहां हमने बात की थी दुर्गादास जी के मित्र कर्नल साहब की, जो अपने बेटे का जन्मदिन मना रहे थे। जन्मदिन का ये जश्न मनाकर जब सभी लौट रहे होते हैं तो दुर्गादास जी शाम को बताते हैं कि कर्नल साहब का बेटा प्रकाश जीवित नहीं है, वो फौज में था और शहीद हो गया। लेकिन कर्नल साहब ये बात किसी को बताकर दुखी नहीं होना चाहते और हमेशा
खुद भी खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं। इस बीच राधा अपनी चंचलता और चपलता से श्याम से लेकर सभी को सताती रहती है। श्याम नदी में नहाने जाता है तो उसके कपड़े छिपाकर उससे वचन लेती है कि गुरुजी से वो अकेले शिक्षा नहीं लेगा, मीरा को बंसी भी नहीं सुनाएगा और मीरा का दिया हुआ अचार भी नहीं खाएगा, क्योंकि वो देख लेती है कि एक दिन मीरा की माँ श्याम के लिए अचार भेजती है और श्याम बड़े रुचि से उस अचार को खाता है। तो यहाँ पर वो गुस्सा जाहिर करती है कि वो ऐसा ना करे। अब वो कहती है कि सिर्फ बुआ जी का बनाया हुआ अचार ही श्याम खाएगा। बुआ जी यानी कि लीला मिश्रा, जो कि राधा की बुआ की भूमिका में है। मरता क्या ना करता, नदी के पानी में खड़ा हुआ श्याम हर बात के लिए हामी भर देता है। इस बीच राधा को देखने लड़के वाले आते हैं। राधा घड़ी की सुइयों को पीछे कर देती है क्योंकि लड़के वालों को लेने उसके घर से गाड़ी जाने वाली होती है। जो गाड़ी जमींदार साहब यानी राधा के पिताजी भेजते हैं वो देर से पहुंचती है। इस बीच राधा खेत में पहुंचकर नौकरानी का वेश बनाकर बैठ जाती है और जो लड़के वाले उसे देखने आते हैं उसे वो झूठी झूठी बात राधा के बारे में यानी अपने बारे में ही बता देती है। लेकिन फिर भी लड़के वाले, क्योंकि गाड़ी आ चुकी होती है जमींदार साहब की, तो घर तक पहुंच जाते हैं जहां राधा की बुआ बहुत खातिरदारी करती हैं लड़के वालों की। लेकिन लड़के वाले फिर भी भाग जाते हैं क्योंकि राधा ने जो बातें बताई होती हैं वैसी ही बातें हो रही होती हैं कि राधा की बुआ क्या क्या खातिरदारी करेंगी और उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है लड़के वालों का। ये बहुत ही हास्यास्पद एक चित्रण किया गया है फिल्म में, जो कि बड़ा ही मनमोहक लगता है। इसी बीच एक दिन जब राधा और श्याम खेतों में एक दूसरे के साथ बैठे भावी जीवन साथी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो सोहन सिंह यानी कि जमींदार साहब के मित्र राधा के पिता कर्नल साहब ये देख लेते हैं और राधा के पिता के पास जाके कहते हैं कि मैंने राधा के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढ लिया है। क्योंकि यहाँ पर बात चल रही होती है राधा के विवाह की, क्योंकि राधा की बुआ कहती हैं कि देखो अब तो मीरा की भी शादी हो गई और अब राधा के भी हाथ पीले कर देने चाहिए। तो जब कर्नल साहब ये बात कहते हैं तो राधा के माता पिता खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बताओ वो लड़का कौन है। तब कर्नल साहब बताते हैं कि श्याम है वो लड़का। लेकिन यहाँ पर ये बात राधा की बुआ को अच्छी नहीं लगती। वो कहती है कि लड़के के खानदान का पता नहीं है, किस घर का है ये भी पता नहीं है, तो फिर विवाह कैसे हो सकता है। इस पर कर्नल साहब कहते हैं कि मैं कानूनी तौर पर श्याम को गोद लेने के लिए तैयार हूँ। ये बात राधा के माता पिता को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि श्याम को पसंद तो वो पहले से ही कर रहे होते हैं। इधर राधा की शरारतें जारी रहती हैं। राधा अपनी पुस्तकों को लेकर खड़ी होती है सीढ़ी के पास और कहती है कि मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो राधा की बुआ कहती है कि तुमने मास्टर जी को तो अपनी शरारतों से पहले ही भगा दिया, अब किससे पढ़ने जा रही हो। तो राधा कहती है श्याम से पढ़ने जा रही हूँ। तो राधा की बुआ कहती है कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें पढ़ाई लिखाई करने की, क्योंकि अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है। राधा नाराज़ हो जाती है, कहती है मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। तो राधा की बुआ कहती है श्याम से भी नहीं। और राधा की बुआ सारी बात उसको बता देती हैं। राधा के अरमानों में तो जैसे पंख लग जाते हैं।
सब कुछ लागे नया नया, ओ मैं वही दर्पण वही। कहीं दूर पपिया गुल पिया पिया, कहीं दूर पपिया गुल पिया पिया। उड़ जाने को बेदल है मोराजिया, दिल वही धड़कन वही रे मेरा, दिल वही धड़कन वही। ना जाने ये क्या हो गया कि सब कुछ लागे नया नया, कि सब कुछ लागे नया नया, कि सब कुछ लागे नया नया, कि सब कुछ लागे। इधर जब शाम को इस बात का पता चलता है तो वो घबरा जाता है। उसे लगता है कि विवाह के बाद उसका जीवन पंछी की तरह कैद हो जाएगा। घर के मुनीम जी से लेकर सभी नौकर जाकर उसे छोटे मालिक कहकर बुलाने लगते हैं, लेकिन श्याम एक पंछी की तरह खुद को अनुभव करने लगता है। अब वो अपनी बेचैनी किसी से बता नहीं पाता। उसे लगता है कि शादी के बाद मैं कैद हो जाऊंगा, मेरी सारी जो जिम्मेदारियां हैं मैं उठा नहीं पाऊंगा। इसलिए वो बिना किसी को बताए हुए राधा के घर से चला जाता है। सभी परेशान हो जाते हैं। श्याम को बहुत ढूंढा जाता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। इस स्थिति से राधा परेशान हो जाती है। उसके हृदय का दर्द इस गीत के माध्यम से सामने आता है। Thank you.
इधर श्याम गांव गांव कस्बे कस्बे घूमता है, तभी चंपा, जिससे श्याम की मुलाकात फिल्म की शुरुआत में नौटंकी के दौरान हुई थी और वो दीदी कहने लगा था चंपा को, उससे होती है। चंपा श्याम को पहचान लेती है, आवाज देती है और बुलाती है, कहती है श्याम तुम कहाँ गायब हो गए थे। तो वो सारी बातें बताता है और कहता है कि मैं राधा के घर था। तब चंपा पूछती है राधा कौन है, तो वो बताता है सारे किस्से। वो चंपा को सुनाता है और कहता है कि इस तरह से मैं वापस आ गया क्योंकि मैं शादी करना नहीं चाहता, मुझे डर लगता है कि शादी के बाद कहीं मैं अपनी जिम्मेदारी ना उठा पाया तो राधा का क्या होगा। तब चंपा समझाती है कि जिसने तुम पर इतना विश्वास किया उसे तुम छोड़कर चले आए और शादी को तुम बंधन कहते हो, ये बंधन नहीं है। इस बंधन के लिए तो लोग तरसते हैं, अच्छे जीवन साथी की तलाश तो सभी को होती है। श्याम कुछ जवाब नहीं देता और अपनी धुन में कुछ सोचता रहता है। इसी बीच उसकी मुलाकात हो जाती है इसी गांव में मीरा से, जिसकी शादी भी इसी गांव में हुई है। मीरा भी श्याम से पूछती है कि श्याम अगर तुम्हें राधा से शादी नहीं करनी थी तो उसका साथ तुमने क्यों दिया, इतने दिन तक उसके साथ क्यों रहे, अब वो तुम्हें चाहने लगी है तो तुम उसे छोड़कर यहाँ क्यों आ गए। श्याम फिक्र में पड़ जाता है कि शायद कहीं उसने कोई गलती तो जरूर की है और इस विचार को वो अपने किसी निर्णय तक पहुंचाए। तब तक नौटंकी का कार्यक्रम शुरू हो चुका है जो नौटंकी चंपा करने जा रही है और उसमें श्याम भी शामिल हो जाता है। राधा किशन की कहानी यहाँ भी चलती है। नौटंकी में एक गीत होता है जिसके माध्यम से सारी कहानी सामने आ जाती है कि श्याम अभी क्या कर रहा है, क्या वो ठीक है या नहीं। Thank you.
जानी अरी दीवानी। मेरी बंसी में जितने गीत हैं सब राधा के मन मीत हैं, सब राधा के मन मीत। कब राधा अलग है शाम से, वो तो जुड़ गई है मेरे नाम से, वो तो जुड़ गई है मेरे नाम से। चंदा में ज्योति, सीपी में मोती, सागर में जैसे हो पानी, दीवानी अरी दीवानी। जी हाँ, गीत के भाव बहुत कुछ कह गए होंगे और आप भी समझ गए होंगे कि श्याम का मन समझ चुका था कि उसने क्या गलत किया है, इसलिए वो सही मार्ग पर चल देता है। वो वापस राधा के गांव जाता है और वहाँ वापस उसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और राधा, जाहिर सी बात है, वो भी बहुत खुश होती है। उसे यकीन नहीं होता कि श्याम वापस आ गया। फिल्म समापन की ओर है। अब राधा और श्याम के विवाह की तैयारियां होती हैं और धूमधाम से राधा और श्याम का विवाह कर दिया जाता है। इस तरह फिल्म समापन की ओर बढ़ती है और खुशियों की लहर चारों ओर दिखाई देती है। इस तरह गीत गाता चल फिल्म का समापन होता है। श्रोताओं, सिनेमा घर में आज आप बातें सुन रहे थे फिल्म गीत गाता चल की। इसके मधुर गीत भी आपने सुने। इस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियां भी चलते चलते आपको दे देते हैं। आपको बता देते हैं कि रविंद्र जैन ने इस फिल्म का संगीत दिया था और गीत भी लिखे थे। रविंद्र जैन ने चितचोर, अखियों के झरोखे से, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, नदिया के पार, चोर मचाए शोर जैसी अनेक फिल्मों में गीत लिखे थे, संगीत दिया था।
यहाँ पर आपको बता दें कि रविंद्र जैन ने 1973 में सौदागर फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, और जब गीत गाता चल फिल्म के लिए उन्होंने गीत लिखे तो कितने मकबूल हुए ये तो आज आप सुनकर समझ ही गए होंगे। आपको बता दें कि सचिन ने इस फिल्म में नायक की भूमिका निभाई। उससे पहले बाल कलाकार के रूप में वो 62 फिल्मों में काम कर चुके थे। और राजश्री प्रोडक्शंस के तले बनी ये फिल्म थी गीत गाता चल। हिंदी सिनेमा में पारिवारिक और संस्कारी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं राजश्री प्रोडक्शंस। कंपनी की शुरुआत हुई मीना कुमारी की फिल्म आरती से। इसकी बेजोड़ सफलता के बाद कंपनी ने दोस्ती फिल्म का ऐलान किया था जो बहुत ही सफल रही, और इसी बैनर के तले बनी थी फिल्म गीत गाता चल, जिसके बारे में आज हमने आपको बहुत सारी बातें बताई। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 1965 में आई बांग्ला फिल्म अतिथि का रीमेक थी गीत गाता चल, और रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास अतिथि पर बनी थी फिल्म गीत गाता चल। उम्मीद है कि आज की फिल्म आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अनुराधा को दीजिए अनुमति